Now we will see different types of alkane and different types of alkyl group. Alkanes and alkyl groups. Alkanes are hydrocarbon. Hydrocarbon से जब हम एक hydrogen atom remove करते हैं, the remaining part is called alkyl group. तो कितने तरह के alkyl group हो सकते हैं? What are their common naming? तो common naming system देखते हैं. First type of alkane. Normal alkane. Normal alkane, it means a straight chain saturated compound, जिसमें कहीं कोई branching नहीं होती है. जैसे एक structure मैंने लिखा, CH3, CH2, CH2, CH3. So structure से clearly समझ में आ रहा है, 4 carbon atoms are present in the chain. इस कंपाउंड का नाम रख दिया नॉर्मल ब्यूटेन. नॉर्मल के लिए हम लिखते हैं N. सो दिस स्मॉल N स्टैंड्स फॉर नॉर्मल. अब यदि आप एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर देंगे तो जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसको हम बोलते हैं अल्काइल ग्रुप. व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? सपोज टर्मिनल पोजिशन से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दिया, CH3, CH2, CH2, CH2. One of the hydrogen atom is removed. यहां से हमने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया. This remaining part is called normal butyl group. Alkane से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करेंगे, it is converted into alkyl group. If it is normal alkane, terminal position से हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे, the remaining part is called normal butyl group or normal alkyl group. Other possibility, suppose terminal position से हाइड्रोजन नहीं रिमूव किया, second carbon atom से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, even then it will be converted into alkyl group. CH3. At this position, hydrogen atom is removed. तो यहां जो आपको remaining part दिखाई दे रहा है, इस carbon atom को, इस alkyl group को, हम बोलते हैं secondary alkyl group. If secondary hydrogen atom is removed, then it is called secondary alkyl group. If primary hydrogen atom is removed, तो जो structure बना इसको बोलेंगे normal butyl group. It means butane से दो तरह के alkyl group बनने के chances है. Next type of hydrocarbon or alkane is isoalkane. Isoalkane. Isoalkanes are those alkanes in which a methyl group is present in the branching. किसी भी alkane का structure ऐसा दिख रहा हो जिसमें एक main chain से, एक straight chain से second carbon atom पर methyl group attached हो. Such type of compounds are called isoalkane. अब आइसोएल्केन में इस एल्केन का नाम क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5. टोटल 5 कार्बन एटम इज प्रेजेंट. सो दिस कंपाउंड विल बी नेम्ड एज आइसोपेंटेन. दिस इज आइसोपेंटेन. आइसोपेंटेन से इफ हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अल्काइल ग्रुप. व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? सपोज इस पोजीशन से हमने एक प्राइमरी हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दिया, स्ट्रक्चर रिमेनिंग पार्ट का ऐसा दिखाई देगा. इफ वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम द टर्मिनल कार्बन एटम ऑफ आइसोएल्केन, दिस रिमेनिंग ग्रुप इज कॉल्ड आइसोएल्काइल ग्रुप. So since it was isopentane, इस कंपाउंड का नाम रखेंगे
इस अल्काइल ग्रुप का नाम रखेंगे आइसोपेंटाइल ग्रुप। इफ सेकेंडरी कार्बन एटम के हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए, अल्काइल ग्रुप का स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देगा। दिस हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड। अब इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप। तो आप इस अल्काइल ग्रुप को कैटेगराइज करेंगे एज सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप। थर्ड पॉसिबिलिटी, इफ टर्शियरी हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड, CH3, CCH3, दिस इज CH2, CH3। एट दिस पोजिशन हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड, जो रिमेनिंग कार्बन दिख रहा है, जो रिमेनिंग अल्काइल ग्रुप दिख रहा है, इसका नाम रखते हैं टर्शियरी अल्काइल ग्रुप। सो इफ द गिवन कंपाउंड, इफ द हाइड्रोकार्बन इज आइसो एल्केन, देयर इज थ्री पॉसिबिलिटी। द अल्काइल ग्रुप में भी आइसोपेंटाइल ग्रुप, इट में भी सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप, इट में भी टर्शियरी अल्काइल ग्रुप। द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एल्केन इज नियो एल्केन। नियो एल्केन्स, नियो एल्केन्स आर दोज एल्केन्स इन विच अ स्ट्रेट चेन एल्केन इज हैविंग टू मिथाइल ग्रुप एट द सेकेंड कार्बन एटम। इस सेकेंड कार्बन पर दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं नियो एल्केन। अब इस कंपाउंड का नाम रखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 कार्बन एटम इज प्रेजेंट, तो इसका नाम रखेंगे नियो हेक्सेन। अब इन अ सिमिलर वे हाइड्रोजन एटम का रिमूवल पॉसिबल है। सपोज इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में टर्मिनल पोजीशन से हमने हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दिया, सो दिस इज द कार्बन अटैच टू 3 मिथाइल ग्रुप, दिस इज CH2, यहां से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दिया है। द रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड नियो हेक्साइल ग्रुप। दिस इज प्राइमरी अल्काइल ग्रुप नोन एज नियो हेक्साइल ग्रुप। अनदर पॉसिबिलिटी, इफ दिस सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम इज रिमूव, CH3, यहां से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दिया जाए, सो दिस इज सेकेंडरी कार्बन एटम, सो दिस कंपाउंड विल बी नोन एज सेकेंडरी हेक्साइल ग्रुप। देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी, वी कैन रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम दिस पोजिशन ऑल्सो, देन इट विल बी ओनली प्राइमरी अल्काइल ग्रुप। सो नियोहेक्सेन के केस में 3 पॉसिबिलिटी है, इट मे फॉर्म नियोहेक्साइल ग्रुप, इट मे फॉर्म 2-degree हेक्साइल ग्रुप, इट मे फॉर्म प्राइमरी अल्काइल ग्रुप। सो एल्केन मे बी नॉर्मल एल्केन, इट मे बी आइसो एल्केन, इट मे बी नियो एल्केन। हाइड्रोजन एटम का रिमूवल किस पोजीशन से करते हैं, उसके बेसिस पर अल्काइल ग्रुप का नाम रखते हैं नॉर्मल अल्काइल ग्रुप, आइसो अल्काइल ग्रुप, नियो अल्काइल ग्रुप, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप और टर्शियरी अल्काइल ग्रुप। नेक्स्ट कैटेगरी देखिए एल्कीन में से एक हाइड्रोजन एटम सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, देन रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड एल्कीनाइल ग्रुप। द सिंपलेस्ट एल्कीन इज इथीन, कार्बन। दिस इज इथीन। अब इथीन के स्ट्रक्चर में से हमने इस पोजीशन से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर दिया, रिमेनिंग पार्ट का स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देगा CH2CH। दिस इज हाइड्रोजन विच इज रिमूव्ड
तो इस बचे हुए ग्रुप को, यहाँ जो ग्रुप दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं विनाइल ग्रुप. CH2CH इज नोन एज विनाइल ग्रुप. CH3CH डबल बॉन्ड CH2. दिस एल्कीन इज कॉल्ड प्रोपीन. अब प्रोपीन में हमने किस पोजीशन से हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया है, स्ट्रक्चर देखिए. दिस कार्बन एटम विच इज सैचुरेटेड कार्बन एटम, यहां से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर दिया जाए. द रिमेनिंग पार्ट विल बी CH2CH डबल बॉन्ड CH2. इस ग्रुप को हम बोलेंगे यहां से हाइड्रोजन एटम रिमूव किया था. सो दिस वन इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एलाइल ग्रुप. एलाइल ग्रुप. इफ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के हाइड्रोजन को रिमूव कर दे, स्ट्रक्चर इस तरह का दिखाई देगा. हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड, तो इस कंपाउंड को हम बोलेंगे दिस इज प्रोपीनाइल ग्रुप. प्रोपीन से फॉर्मेशन हुआ, सो दिस इज प्रोपीनाइल ग्रुप. इफ हाइड्रोजन एटम इज रिमूव फ्रॉम द सेकेंडरी कार्बन एटम, सपोज दिस हाइड्रोजन एटम इज रिमूव, अब ग्रुप ऐसा दिखाई देगा और इसको बोला जाएगा आइसोप्रोपीनाइल ग्रुप. आइसोप्रोपीनाइल ग्रुप. सो एल्कीन से बनता है एल्किनाइल ग्रुप, एल्केन से बनता है अल्काइल ग्रुप. मोस्टली वी यूज IUPAC नोमेनक्लेचर, बट समटाइम्स वी नीड टू यूज द कॉमन नेमिंग. After studying the structure of organic compound, now we are able to predict whether the given organic compound is polar or non-polar. So next topic is dipole moment. If any organic compound is polar, its dipole moment will be greater than zero. And if the organic compound is non-polar, then its dipole moment will be taken as zero. Now see, how can we analyze whether the given compound is polar or it is non-polar? The first category of compound, organic compounds containing only one central atom. Central atom. Suppose आपको एक ऐसा compound दिया गया जिसमें सिर्फ एक central atom present है. So first step आप उस compound का structure draw करेंगे. देखिए this is methane. Tetrahedral manner में हमने चार carbon hydrogen bond बना लिया. Now the basic rule is if a molecule is symmetrical molecule, central atom के surrounding सारी bond एक जैसे दिख रहे हैं और उसके पास कोई lone pair present नहीं है, then such type of compound will be non-polar compound. और आप इसको vector sum से भी proof कर सकते हैं. Carbon hydrogen bond is polar bond, carbon is more electronegative than hydrogen. Similarly, this bond is polar bond, this is polar bond, this is polar bond. इन तीनों का जो resultant dipole मिलेगा वो resultant dipole equal and opposite इसके magnitude के होगा. तो आप ऐसा समझ सकते हैं that this molecule is symmetrical molecule, so its dipole moment will be equal to zero. Similarly, one more example, alkene. Hydrogen, 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 hydrogen. अब आप देखिए there is two carbon atom, but carbon के surrounding जो arrangement दिखाई दे रहा है that is symmetrical arrangement. और जब इनमें symmetrical arrangement present है तो इसका मतलब होगा कि this molecule will be non-polar molecule. Its dipole moment will be equal to zero.
बट इफ वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड तो उसका इफेक्ट चेंज होना शुरू हो जाएगा. सी द एग्जाम्पल, मीथेन. मीथेन के स्ट्रक्चर में हमने एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया फ्लोरीन से, एंड फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. तो अब इसके स्ट्रक्चर में क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि यहां पर चार बॉन्ड प्रेजेंट हैं, बट दे आर नॉट ऑफ इक्वल पोलैरिटी. तो उसका नेट रिजल्ट क्या मिलेगा? दिस मॉलिक्यूल विल बी पोलर मॉलिक्यूल. इफ एल्कीन आपने लिया, कार्बन के अराउंड दो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट थे, इट वॉज सिमिट्रिकल अरेंजमेंट. स्ट्रक्चर को हमने सिमिट्री को डिस्टर्ब कर दिया. सपोज कंपाउंड का स्ट्रक्चर ऐसा दे दिया जाए. नाउ इन दिस केस वी कैन नॉट से दैट ऑल द बॉन्ड्स आर इक्वली पोलर बॉन्ड. और जब सराउंडिंग सिमिलर नहीं दिख रहे हैं तो आप आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं दिस गिवन कंपाउंड विल बी पोलर कंपाउंड. तो जब सिमिट्री मेंटेन है देन इट इज नॉन पोलर कंपाउंड, सिमिट्री डिस्टर्ब हो गई देन कंपाउंड विल बी पोलर कंपाउंड. वन मोर इम्पॉर्टेंट कंपाउंड इज बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन. सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, दिस इज बेंजीन, सिमिट्रिकल प्लेनर मॉलिक्यूल. सिक्स कार्बन एटम, हर कार्बन एटम से एक एक हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है. दिस इज सिमिट्रिकल मॉलिक्यूल जिसमें सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल है, सारे बॉन्ड एक जैसे दिखाई दे रहे हैं. एंड सिंस इट इज प्लेनर मॉलिक्यूल सो वेक्टर सम के बेसिस पर भी आप ये निकाल सकते हैं कि दिस मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल सो इट्स डायपोल मोमेंट विल बी जीरो. सपोज वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन रिंग इज सब्स्टिट्यूटेड बाई एनी अदर ग्रुप. Suppose it is substituted by chlorine. अब देखिए rest of the bond की symmetry maintain है लेकिन इस bond की symmetry maintain नहीं है. This side is a polar bond. यहां balance करने के लिए इसको equal polarity का bond present नहीं है. So other bonds का effect cancel हो जाएगा लेकिन इस एक अकेले ग्रुप की पोलैरिटी कैंसिल नहीं हो पाएगी एंड इट मीन्स द मॉलिक्यूल विल बी पोलर मॉलिक्यूल. इफ टू हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय एनी अदर ग्रुप तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? जैसे देखिए हमने बेंजीन रिंग के दो हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया. रिप्लेसमेंट की पोजिशन की बेसिस पर हम इसका नाम रख सकते हैं क्लोरीन क्लोरीन. वन टू पोजिशन, दिस इज कॉल्ड ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजेन. दो हाइड्रोजन एटम जो सब्स्टिट्यूट हुए दे आर प्रेजेंट एट 1-3 पोजिशन, इसको बोलेंगे मेटा डाइक्लोरोबेंजेन. एंड इफ दीज टू ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट 1-4 पोजिशन तब इसको बोलते हैं पैरा डाइक्लोरोबेंजेन. अब इन तीनों केस में जो हमारे पास प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है वो पोलर होगा या नहीं होगा उसको आप निकाल सकते हैं. डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के केस में जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट मिलता है उसको कैलकुलेट किया जाता है यूजिंग द फॉर्मूला म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा. म्यू वन इज द पोलैरिटी ऑफ वन बॉन्ड, म्यू टू इज द पोलैरिटी ऑफ अनदर बॉन्ड एंड कॉस थीटा इज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द टू पोलर बॉन्ड. तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 120 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, थीटा की वैल्यू जब इंक्रीज होगी तो कॉस थीटा की वैल्यू कम होती चली जाएगी. इट मीन्स इक्वल पोलैरिटी के जब दो बॉन्ड प्रेजेंट है, दो सिमिलर ग्रुप जब प्रेजेंट है, हम डाइपोल मोमेंट इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं. और डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड देखिए क्या मिलेगा. ऑर्थो के केस में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी
because theta is minimum, cos theta is maximum, so added value will be maximum. ऑर्थो से कम डाइपोल मोमेंट होता है मेटा का और सबसे कम डाइपोल मोमेंट होगा पैरा कंपाउंड का. इनफैक्ट दो एक जैसे ग्रुप जब पैरा पोजिशन पर प्रेजेंट होंगे देन दिस मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर मॉलिक्यूल. यहां बॉन्ड के डाइपोल्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे. दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी. सेकेंड पॉसिबिलिटी देखिए, जब हमने बेंजीन रिंग के दो हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट किया बट डिफरेंट ग्रुप से सब्स्टिट्यूट किया. एग्जाम्पल, वन ऑफ द ग्रुप इज क्लोरो ग्रुप, दूसरा नाइट्रो ग्रुप. दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्थो कंपाउंड. पोजिशन ऑफ दीज टू ग्रुप मे बी लाइक दिस. दिस इज मेटा and two different groups are present at the para position of each other. इनका dipole moment हमें compare करना है. Structure से visible है all the three molecules will be polar molecule. And जब दो अलग अलग group present है तो इनके dipole moment को calculate करने के लिए formula use करते हैं. mu1 is square प्लस म्यू टू स्क्वायर माइनस टू म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा. और इस फॉर्मूला की बेसिस पर जब हम डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर निकालेंगे तो इन्हीं तीन कंपाउंड के लिए ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा. ऑर्थो का डाइपोल मोमेंट सबसे कम, मेटा आइसोमर का डाइपोल मोमेंट उससे ज्यादा होगा एंड पैरा कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम होगा. सो इफ वी नो द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इफ वी नो हाउ टू असाइन द डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी, वी कैन प्रिडिक्ट द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल. द ऑर्गेनिक कंपाउंड मे बी पोलर, इट मे नॉट बी पोलर. It all depends upon the structural symmetry. It all depends upon the nature of functional group attached with the carbon atom. So, student, today in this lecture, we studied about different types of organic compound, their classification, tetravalency of carbon, hybridization of carbon atom in the organic compound, classification of carbon as primary, secondary, tertiary, alpha, beta, gamma, and the dipole moment of the organic compound. In next lecture, we will continue the IUPAC nomenclature of organic compound. Thank you.